रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा 14 से 20 नवंबर तक विश्व रंग 2022 आयोजित किया जा रहा है। गीत संगीत की सुमधुर स्वर लहरियों से गूंजती भोपाल की वादियों में विश्व रंग का जलसा तहजीब के बेमिसाल सिलसिलों का मंजर समेट लाया। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में सोमवार की सुबह जबलपुर के सुर पराग वृंद ने रविन्द्र संगीत से गुलजार की, तो ढलती शाम कौशिकी चक्रवर्ती के कंठ की कशिश ने सुर ताल और लयकारी में बंधी गायकी की करिश्माई रंग घोला। साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग 2022 का यह सुरीला आगाज था। संस्कृति की सुंदर छवियों में रचे बसे 8 दिनों के विराट समागम का आरंभ इस तरह कला उत्साह से हुआ। विश्व रंग के चौथे संस्करण के दूसरे दिन अन्नपूर्णा देवी के संस्मरण कार्यक्रम में अन्नपूर्णा देवी के शिष्य और देश के जाने माने बांसुरी वादक नित्यानंद हल्दीपुरक और जाने माने पार्थ गायिका छात्रा गांगुली उपस्थित रहे। विषय परिवर्तन जाने माने कला चिंतक विनय उपाध्याय ने किया। भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्यक्रम अधिकारी चित्रा शर्मा ने चर्चा को आगे बढ़ाया। आज के कार्यक्रम का सवाल है, वो तो सुबह इतनी अछूती और सुंदर परिचर्चाएं हुई हैं, जैसे कि संगीत का धर्म क्या है, इस पर एक बड़ी लंबी बातचीत हुई। नित्यानंद हल्दीपुरकर, छाया गांगुली, ये सब लोग थे, यतीन मिश्र भी थे, और एक यूनिवर्सल अपील जो संगीत की है उसको आज इस पर बातचीत हुई है। शाम को श्रीराम भारती कला केंद्र का रामायण प्रदर्शन होगा, जो अपने आप में बहुत अनूठा है। इस तरह कल से लेके आज तक संगीत और नाटक पर बातचीत हो रही है। कल विश्व रंग में एक बहुत बढ़िया सुंदर नाटक शाम को प्रस्तुत होगा और सुबह की चर्चाएं भी कला और संगीत पर होंगी। उसके बाद ये मिंटो हॉल में शिफ्ट करेगा, जहां पर कि साहित्य पर केंद्रित प्रदर्शनियां और बातचीत और लेखकों से बातचीत होंगी। तो बहुत सुंदर, और भोपाल के सभी ऑडियंस का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसे बहुत अद्भुत रिस्पॉन्स मिल रहा है।